नमस्कार, न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम नेताजी के साथ एक दिन में आपका स्वागत है। मैं मनोज अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ आज आपको लिए चलता हूं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आसू उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे चंद्रप्रकाश चौधरी के पास। चलते हैं चंद्रप्रकाश चौधरी के पास और जानते हैं कि इस चुनावी मौसम में उनकी दिनचर्या क्या है। न्यूज 18 के विशेष कार्यक्रम नेताजी के साथ एक दिन में आज हम हैं झारखंड सरकार के मंत्री बतौर एनडीए उम्मीदवार आसू के चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ, जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं कि मंत्री जी की दिन की शुरुआत कैसे होती है, इस चुनावी महासभा में निकलने से पहले वो किस तरीके से तैयार होते हैं। मंत्री जी, पूरे दिन क्षेत्र में भ्रमण, मतदाताओं से जनसंपर्क और देर रात लौटना, फिर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अगले दिन की रणनीति तैयार करना और फिर अहले सुबह उठ करके तैयारी। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी जगह पर जाना, तो सुबह 7 बजे से तैयार होकर हम लोग 8 बजे निकल जाते हैं ताकि पूरा दिन भर लोगों के बीच में हम रह सकें। दिन भर लोगों के बीच में रहे, लेकिन उसके पहले तैयारी की अगर हम बात करेंगे, निकलने से पहले तैयारी, चाय नाश्ता और किस तरीके से सारे चीज़ों को लेते हैं, किस तरीके से पूरे दिन को मेंटेन करने की तैयारी करते हैं? देखिए, ये तो नॉर्मल है, हम लोगों का आदत सा है, लोगों को सुबह उठना, फिर नाश्ता करना, फिर लोगों से मिलना, ये तो है। और सभी लोगों से चाहते हैं, जो भी कार्यकर्ता भी रहते हैं वो लोग भी आते हैं, तो लोग से भी दिन भर का रिपोर्ट लेना, बातचीत करना और फिर आगे का कार्यक्रम तय करना, ये चलता है। आपके सामने तरबूज है, पेपर है, कार्यकर्ता भी बैठे हैं, इन सब के बीच सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? अखबार में कितना समय दे पाते हैं, क्या कुछ देखते हैं उसमें? ये अखबार में भी तो जितना कार्यक्रम हम लोगों का चलता है उसके बारे में रिपोर्ट तो कहाँ से आ रही है, और फिर उसी बीच में अपना नाश्ता पानी भी कर लेना और साथ साथ कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं तो लोगों से भी मिलना और निकलना भी अभी है। तो इस तरह का प्रत्येक दिन का रूटीन है और यही सब चल रहा है, प्रत्येक दिन का रूटीन है। अगर आज की बात हम करें तो आज हम लोग कहाँ कहाँ चलेंगे, किन किन लोगों से मुलाकात होगी, कितने जगहों पर सभा होंगी और जो सभा होंगी उसमें कोई बड़े नेता भी शामिल होंगे क्या? नहीं, जनसंपर्क अभियान है, आज डुमरी ब्लॉक में है, डुमरी विधानसभा क्षेत्र में है, और कई के हमको लगता है 17-18 पंचायत है जो अभी तक वहाँ नहीं जा पाए, वैसे जो है वहाँ के लोगों का अभी मांग था कि एक बार यहाँ पर हम लोगों के क्षेत्र में भी आई, तो उसी के कार्यक्रम पर अभी हम निकल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर देखें तो दिन की शुरुआत हो चुकी है, हल्का नाश्ता, अखबार की सुर्खियाँ देखने के बाद कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाकर मंत्री जी निकलते हैं, अभी निकलने की तैयारी है। तो हम चलते हैं, आज इनके साथ पूरे दिन गुजारते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से ये लोगों के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरीके से लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं अपने पक्ष में, किस तरीके से विरोधियों का जो आरोप है, जो प्रत्यारोप है, जो उनके दावे हैं उनको काटते हैं, इन सारे चीज़ों को हम देखते हैं। कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह के बीच मतदाताओं के साथ जनसंपर्क को निकल रहे हैं, तो आइए हम चलते हैं इनके साथ और देखते हैं आज के इनके दिनचर्या को, आज के इनके चुनावी सभाओं को, इनके जनसंपर्क अभियान को। चुनाव प्रचार के सफर में थोड़ा सा विश्राम, यानी थोड़ी सी चाय पीकर थकावट मिटाने की कोशिश मंत्री कर रहे हैं, अभी हमारे साथ में हैं, हम इनसे बात करते हैं।
मंत्री जी, जो लगातार आपका चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, चुनौती किससे मिल रही है? चुनौती खास करके यहाँ के लोगों से मिलते रहते हैं और मिल रहे हैं, और चुनावी प्रचार भी हो रहा है और लोगों का तो समर्थन काफ़ी मिल रहा है। लोग का झुकाव काफ़ी है कि मोदी जी के प्रति लोगों का काफ़ी आस्था और विश्वास भी है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में जाना है। सभी लोगों का उम्मीद रहता है कि उम्मीदवार एक बार सब मिले, आए हम लोगों से, यहाँ की समस्याओं को जाने, और मैं वही काम भी कर रहा हूँ, सभी लोगों से मिल रहा हूँ और वहाँ की समस्याओं से भी अवगत हो रहा हूँ। मुकाबला किससे है, सामने में कौन है? देखिए, मुकाबला तो इसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चुनाव है और अपना चुनावी रणनीति में सभी लोग लगा, और हमारे पीछे दूर दूर तक कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहे हैं और काफ़ी अंतराल से हम लोग इस सीट को चुनाव जीते हैं। जगन्नाथ महतो की अगर हम बात करें, उनको महागठबंधन का समर्थन भी मिल रहा है। देखिए, महागठबंधन वो लोग का सिर्फ ठगबंधन के रूप में साबित हो रहा है और उन लोग का सिर्फ चुनावी महागठबंधन है। चुनाव के बाद वो लोग अभी से ही टूटना शुरू हो गया। लोग कौन प्रधानमंत्री बनेगा, जगन्नाथ महतो जी को ये भी नहीं पता है कि वो जीतेंगे तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो वैसे लोग हैं जो लोग हमेशा देश में इतना दिन शासन किया कांग्रेस का लोग, लेकिन आज तक कोई काम करके नहीं दिखाया। जगन्नाथ महतो ही 15 साल यहाँ से विधायक है, अभी सभी गाँव में घूम रहे हैं, कहीं बिजली की स्थिति सही नहीं, कहीं कहीं लोग पानी के लिए भी हल्ला करते हैं। तो इनका 15 साल का ये स्थिति है, एक विधानसभा को नहीं संभाल पाए, तो फिर छः विधानसभा लोकसभा में होता है तो संभाल कैसे पाएंगे, ये चीज़ यहाँ की जनता का भी ये प्रश्न। जयप्रकाश भाई पटेल साथ हो गए हैं आपके, कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिल्कुल अपने स्वार्थ के लिए और किसी वर्ग के लिए वह राजनीति करता है। उसके साथ कितने प्रकार का चैलेंजिंग है, इसको यदि वो नहीं रख पाए, उस तरह का बयानबाजी जयप्रकाश कर रहा है, विरोध पर उतर गया, तो कहीं ना कहीं उनका ठेस पहुंचा होगा, तभी इतना बड़ा कदम उठाया। साथ आने से फायदा कितना मिल पाएगा, कितना वोट का ध्रुवीकरण वो आपके पक्ष में कर पाएंगे? देखिए, साथ में गठबंधन के साथ में उन्होंने घोषणा किया है कि मोदी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए वो राजा को समर्थन किया, तो निश्चित तौर पर उनके विचारधारा के लोग, उनके अनुयायी जितने लोग हैं, उनका समर्थन तो पूरा मिलेगा। मतलब फायदा होगा? फायदा मिलेगा ही, सभी लोगों के, चूँकि MLA है, विधायक है, मंत्री भी रहे, उनके पिताजी भी MP रहे हैं गिरिडीह संसदीय क्षेत्र का, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। मंत्री जी, अगर हम इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं की बात करेंगे तो वो क्या नज़र आता है? देखिए, झारखंड में पर्यटन का काफ़ी उम्मीद भी है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पारसनाथ पहाड़ आज इतना अच्छा और सुंदर, यहाँ जैन समाज का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा धर्म, मतलब लोगों का धर्म का स्थान है, शिखर है, इतनी ऊंचाई है, तो झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास कई स्टेट का सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ पारसनाथ जिसको कहा जाए, यहाँ जड़ी बूटियों का भी काफ़ी संभावना है, लोग होता भी पहले था लेकिन अभी बिल्कुल उजड़ सा गया है, लोग यहाँ से काफ़ी पलायन भी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों है विषय है, उन सब चीज़ों पर हम लोग चुनाव के बाद निश्चित है पूरा करने का प्रयास। जीत को लेकर के कितना मतलब आश्वस्त हैं, कितना लगता है कि जीतेंगे और कितने मार्जिन से जीतेंगे, क्या कुछ लगता है? देखिए, जीत के प्रति हम लोग आश्वस्त हैं, सभी लोग एक साथ है, NDA के गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी लोग आपस में बहुत ही मेहनत भी कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम लोग का एकजुटता आज से नहीं बल्कि झारखंड अलग बना है तब से हम लोगों का गठबंधन और सरकार में चल रहा है, और उन लोगों का टेम्प्रोरी गठबंधन है, उन लोगों का कांग्रेस का कहीं सहयोग नहीं मिल रहा है, और दूसरे जो भी छोटे छोटे दल है, RJD है जो हमेशा झारखंड विरोधी काम किया, आज झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे लोगों के साथ समझौता किया है, लोग जो झारखंड के विरोध में लालू यादव ने कहा था कि मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, तो उन लोगों का ना कोई नीति है ना कोई नियत है, इसलिए उन लोगों का टेम्प्रोरी गठबंधन है, उनका कहीं कोई समर्थन जनता के बीच नहीं।
नेताजी के साथ एक दिन में आज हम गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी आशु के चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ समय गुजार रहे हैं और उनकी चुनावी दिनचर्या को देख रहे हैं। इस समय लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम फिर चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ होंगे और देखेंगे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके से। नेताजी के साथ एक दिन जो न्यूज 18 का विशेष कार्यक्रम है, आज उसमें हम है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आशु के उम्मीदवार जिन्हें एनडीए का समर्थन प्राप्त है, चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ। हमको लगभग 30 साल राजनीतिक जीवन का अनुभव रहा है। पहला बार हम अनुभव ऐसा देखने को मिल रहा है कि हर मतदाता हम लोग को जाने से पहले बोल रहा है कि हम लोग सब वोट केला छाप को देंगे और मोदी को जिताएंगे। आज तक हम यही देखते थे कि हस्बैंड के कहने से वो वोट देता था, किसी के नेता के कहने से वोट देता था। इस बार का गजब का माहौल है पूरे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में, कि जैसे ही हम लोग जाते हैं कहीं, वो बोलता है कि हम लोग केला छाप में वोट देंगे और मोदी को सरकार बनाएंगे। आपका बटन कहाँ दबेगा? केला छाप जा रहेगा। आपका बटन कहाँ दबेगा? केला छाप जा रहेगा। केला छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा आशु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुदेश महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। केला छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनावी कार्यक्रम में हम भी आप लोगों के बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आशु पार्टी का संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हम हैं। मेरा चुनाव चिन्ह केला छाप है और आने वाला 12 तारीख को जो चुनाव होगा, हम अपील कर रहे हैं कि आप लोग केला छाप में वोट दें ताकि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन सके। अभी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता घटवार समाज के मांग को लेकर आपके कार्यक्रम में कई बार भी हम लोग उपस्थित भी हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम आश्वस्त करते हैं क्योंकि यह समाज का मामला है और समाज का सबसे महत्वपूर्ण डिमांड आप लोगों का है। तो मैं निश्चित तौर पर चुनाव के बाद जीतेंगे तो निश्चित तौर लोकसभा में आपकी बात को हम वहाँ अपने पूरी ताकत के साथ रखेंगे और आपके समाज का अधिकार दिलाने का काम। इसलिए सभी मतदाता एक बार फिर से मोदी सरकार बने, इसके लिए लोग काफी उत्साहित हैं। मैं सभी लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूं। धन्यवाद। चंद्र प्रकाश चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में सभी लोगों को अपना अपना वोट, अपना अपना अधिकार जो है, वोट देने का अधिकार है, उसको आपको देना। चुनावी अभियान में निकले मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आज हम नेताजी का एक दिन कार्यक्रम बिता रहे हैं और अभी इस वक्त हमारे साथ है दर्जनों गांव, सुबह अहले सुबह तैयार होने के बाद हम इनके साथ हैं और अब तक डुमरी प्रखंड के दर्जनों गांव में घूमे हैं और हजारों लोगों से मुलाकात की, लोगों से वोट मांगी, लोगों ने क्या उम्मीद जताई है, लोगों ने इनसे क्या कुछ
क्षेत्र को लेकर के समस्याएं जो है इनके सामने रखी है और क्या कुछ अपेक्षाएं की हैं इनसे, आइए हम बात करते हैं। मंत्री जी, लगातार आप घूम रहे हैं क्षेत्र में, जनता के पास जा रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं, जनता क्या कुछ कह रही है, क्या है इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं, उसको लेकर के जनता क्या कुछ चाहती है आपसे? गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में लगातार जब से NDA उम्मीदवार के रूप में घोषणा होगा तब से लगातार यहाँ के लोगों से मिल भी रहे हैं और यहाँ के मूल समस्याएं उन समस्याओं से भी हम लोग अवगत हो रहे हैं और साथ साथ जो बुनियादी समस्याएं हैं जो अभी भी गांव के लोग जो अच्छा स्कूल शिक्षा नहीं मिल पा रहा है लोगों को, इसके साथ साथ स्वास्थ्य सुविधा भी इनको अच्छे ढंग से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अभी भी यहाँ पर प्रखंड स्तर के स्वास्थ्य केंद्र जो हैं उन सब चीज़ों में भी सही व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ का पलायन का, क्योंकि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से काफ़ी युवा पलायन करके दूसरे देशों में दूसरे राज्यों में जाकर अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि यदि यहाँ पर यहाँ के उद्योग यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग चालू किए जाए, जैसे गिरिडीह में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से भी हम मिले थे, वार्ता हुई थी, तो उन लोगों ने भी कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ का जो मायका माइंस जो बंद पड़ गए हैं जिसके चलते लाखों परिवार बेरोजगार हो गए, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वैसे उद्योग जो हमारे पास जो खनिज है जो आज बंद पड़ा हुआ है यदि हम लोग उसको चालू करेंगे तो यहाँ गौ सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगा और लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा पलायन भी रुकेगा। इसी तरह से सिंचाई का भी कई की ऐसी योजना है, चूँकि यहाँ पर पठारी इलाका है और पठारी इलाकों में खास करके बरसात के दिनों में जो पानी आता है वो हमारे यहाँ रुक नहीं पाता, अधिकांश बहकर निकल जाता है, नदी के माध्यम से निकल चला जाता है, तो गर्मी के दिनों में कठिनाई होती है पानी का, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कृषि योजना है और जल भंडारण योजना जो हम लोगों का है, उन सारे योजनाओं को, छोटी छोटी योजनाएं, चेक डैम है, तालाब है, इस तरह की योजनाओं को देने से यहाँ पर पलायन रुकेगा और लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बात करेंगे तो गिरिडीह जो संसदीय क्षेत्र है यहाँ पे पलायन के साथ साथ यहाँ पे कोयला का भी एक अगर कहा जाए तो एक बड़ा स्कोप है, यहाँ पे कोयले का कई खनन है, वहाँ पे भी बहुत समस्याएं हैं, वहाँ के मजदूरों की समस्याएं हैं, रहने की समस्याएं हैं, पेयजल की समस्या इस क्षेत्र में जबरदस्त है, तो उन सारे चीज़ों को लेकर के भी कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने? देखिए, पेयजल का समस्या के लिए हम लोगों को अभी काफ़ी फंड भी मिला हुआ है और सभी घर घर पानी पहुंचाने की जो योजना है जिसका काम अभी शुरुआत हो चुका है, हम लोगों का भी टारगेट है कि 2022 तक राज्य के हर घर में शुद्ध पेयजल हम लोग पहुंचा लेंगे। और कोयलांचल क्षेत्र में भी चूँकि कोयला हमारा है और झारखंड का है, काफ़ी कोयला उत्खनन भी हुआ है और कोयलांचल क्षेत्र में जहां कोयला उत्खनन होता है वहां कई के समस्याएं भी उत्पन्न होता है, कोयला तो निकलता है हमारा लेकिन वहां पर विस्थापन जैसी समस्या आती है, विस्थापन हमारा मुद्दा भी है और चूँकि लोगों को आज जो लोग जमीन दिए जिनका घर चला गया आज उनकी स्थिति बिल्कुल दयनीय हो जाती है, चूँकि एक आदमी को नौकरी मिला, नौकरी मिलने के बाद वह रिटायर कर गया, रिटायर करने के बाद और जो भाई हैं उनके और उनके लोग हैं उन लोगों की स्थिति खराब हो जाती है, तो और पानी का भी समस्या उत्पन्न होता है चूँकि माइंस नीचे चला जाता है कोयला उत्खनन करते करते तो वाटर लेवल भी नीचे चला जाता है, इसलिए उन समस्याओं का समाधान हम लोग पूरा गंभीरतापूर्वक लेंगे और लोकसभा में भी इन सब बातों को रख के विस्थापन जैसी समस्या, जो लोग जमीन दिए, जो लोग सारा चीज दिया आज उनकी स्थिति क्या है इस पर आज तक किसी ने आकलन नहीं कर पाया, बल्कि और जो लोग हैं जो सक्षम लोग हैं जो पूंजीपति लोग हैं वो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है लेकिन जो आम लोगों का है जो जमीन जो लोग दिए हैं और जो वहाँ के मूलवासी हैं उनकी स्थिति खराब हुई, इसलिए उस पर आकलन हम लोगों को करना चाहिए कि कैसे इस पर सुधार हो और लॉन्ग टाइम तक उस पर कैसे सरकार वैसे परिवारों को, विस्थापित परिवारों को रोजगार और संपन्न बना सके।
नेताजी का एक दिन कार्यक्रम में हम मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ गिरिडीह इलाके में घूम रहे हैं और लगातार उनके साथ हर सभा में जा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता भी हैं, हम इनसे बात करते हैं, ये भी नेताजी के साथ दिन गुजार रहे हैं। नेताजी के साथ आप लगातार घूम रहे हैं, कैसे सारा चीज़ होता है, क्या कुछ होता है? अभी तो हम लोग गांव कस्बे में जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो वोट करें और देश हित में एनडीए की सरकार लाए। मंत्री जी का दिनचर्या तो देखिए सर, इनको चाहे चुनाव हो या ऐसे दिन हो, इनका दिनचर्या ऐसा ही रहता है, जनता से मिलना है और जनता से मिल के एक दूसरे को सुख दुख को जानना है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार आशू के चंद्र प्रकाश चौधरी जीत हासिल करने को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लगातार गांव में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, हर एक मतदाता से मिल रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इनकी राह आसान नहीं है, सामने जगन्नाथ महतो से इनका मुकाबला है जो कि जेएमएम के उम्मीदवार है और उन्हें महागठबंधन का समर्थन मिला हुआ है। हालांकि चंद्र प्रकाश चौधरी को भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा, यह भरोसा कितना खरा उतरेगा यह 12 तारीख को ईवीएम में यहां की जो जनता है वो कैद करेगी और 23 तारीख को इसका पता चल पाएगा। बहरहाल हम इतना कह सकते हैं कि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और जीत का सेहरा बंधेगा या नहीं बंधेगा ये मतदाताओं के ऊपर निर्भर है। इस एपिसोड में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर एक नए लोकसभा क्षेत्र में वहाँ के नेता के साथ, जानेंगे कि वहाँ के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और पूरा दिन उनके साथ बिताएंगे, तो एक दिन नेताजी के साथ अगले लोकसभा क्षेत्र में।